पानी वानी कैसा आ रहा है पीने लायक? पानी आप अगर हाथ धो लिए शाम को या सुबह हाथ धोगे तो आप खाना नहीं खा सकते, इतना गंदी बदबू आती है उसमें। बिल्कुल ऐसे समझो जैसे लेटरिन का गटर लीकेज हो जाता है ना, ऐसा पानी आता है, इतना गंदा पानी। हाँ जी, पानी कैसा है दादा आप बताइए? पानी बहुत गंदा आ रहा है, सीवर का पानी आ रहा है। पीने लायक पानी नहीं? नहीं, बारिश हो जाएगी तथा पानी रहता है यहाँ। अभी तो आप खड़े हो यहाँ, बारिश नहीं हुई है तो पानी हो जाता है इतना इतना। आने वाला जो चुनाव होगा 2025 का, वो जनता खुद ही बता देगी कि आपके विधायक जी चुनाव जीत पाएंगे, केजरीवाल जी और विधायक। विधायक तो कोई मतलब ही ना, कोई ताकत ही ना। अरे जो ये कह रहे हैं बड़े बूढ़े, वही हो रहा है और क्या है, वही होगा। समस्या से जूझ रहे हैं ना जनता, यहाँ कोई ये नहीं है कि कोई राजस्थान से या पाकिस्तान से या बंगलोर से या जयपुर राजस्थान, यहाँ के रहने वाले लोग हैं जो जनता ये। और कोरी गंदगी देखना, कितना कूड़ा पड़ा, कितना कागज पड़ा, नाली रुकी पड़ी है। और ये जो बाहर है कोई साइकिल वाला भी जा नहीं सकता। एमसीडी का दफ्तर है और उस दफ्तर की दीवार पर ये कुछ शब्द लिखे हुए हैं। खैर दफ्तर में तो ताला लगा हुआ है, लेकिन जब आप एमसीडी के इस दफ्तर के आसपास की सड़क को आप देखना शुरू करते हैं तो आपको हंसी आने लग जाएगी, क्योंकि दीवार पे तो ये लिखा हुआ है कि अपनी आदतों में बदलाव ज़रूरी है और उसके बाद यहाँ पर कूड़ा वगैरह नहीं डालना चाहिए खुले में। 3-4 कंटेनर भी खड़े हैं यहाँ पर कूड़े के आप देखेंगे तो। लेकिन उसके बावजूद भी एमसीडी के दफ्तर के बाहर की अगर आप हालत देखेंगे तो आपको कुछ ऐसी देखने को मिलेगी कि आप चल भी नहीं सकते हैं। एक बार दिखाइएगा भाई साहब, ये एमसीडी के दफ्तर का बाहर का मलबा लगा करके ये लोग एडजस्ट करके अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पर पानी इकट्ठा हुआ है, ना केवल यहाँ पर और हर जगह पर। माता जी यहाँ पे हैं, माता जी हमेशा रहता है, कभी कभी रहता है ये पानी, बारिश से भरा हुआ है। जब जब बारिश आती है ऐसा ही हो जाता है? हाँ झील है ना, तो इसलिए हो जाता है। गंदगी वगैरह? हाँ भैया गंदगी तो है, देखो ये पूरा एमसीडी के दफ्तर के बाहर का इलाका है और ये दफ्तर के बाहर इस प्रकार की साफ सफाई है तो आप समझ सकते हैं कि पूरे के पूरे क्षेत्र में किस प्रकार की साफ सफाई होगी। कोंडली विधानसभा है और कोंडली विधानसभा का हाल जब आप ऐसा देखते हैं तो आपको बड़ा अचंभित करने वाला मामला लगेगा। यहाँ पर आप देखिए चारों तरफ कूड़े का ढेर, सड़कों की स्थिति इतनी ज़्यादा बद से बदतर कि यहाँ पर खुले में जो पशु होते हैं, ठीक है, आवारा पशुओं की संख्या आप देख ही सकते हैं, आवारा पशुओं की यहाँ पर बहुत अधिक संख्या है, जिस वजह से लोग परेशान होते हैं। कई बार ये गाड़ियों के सामने आ जाते हैं, इनको भी समस्या होती है और भी लोगों को समस्या होती है। दोनों तरफ पानी का जमाव आपने देख लिया। यहाँ से आप थोड़ा सा आगे जाएंगे तो एक बस स्टैंड पड़ता है, ठीक है, ऑथराइज्ड है कि नहीं अनऑथराइज्ड है इसका जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी पानी का भराव कुछ इसी प्रकार से है। और इसके पीछे का कारण अगर आप देखने की कोशिश करेंगे कि पानी में जमाव क्या होता है, जल जमाव की स्थिति क्यों पैदा होती है, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ के विधायक साहब और यहाँ के पार्षद साहब की कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं। जल जमाव की स्थिति पैदा होती है यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे तो पूरी की पूरी नालियाँ जो हैं वो भरी हुई हैं और यहाँ से यहाँ पर वाटर क्लीनिंग होती नहीं है, सीवेज क्लीनिंग होती नहीं है, जिस वजह से इस प्रकार की स्थिति बनती है और यहाँ पर लोग परेशान होते हैं। क्या कहेंगे भैया? इसमें गाय गिर गई थी, हमने ही नहीं करवाई थी। क्या क्या समस्या है आपके? एक सेकंड, कोई दिक्कत नहीं, आप गाड़ी साइड कर लीजिए। देखिए खुद लोग आ करके अपनी समस्या बता रहे हैं। क्या समस्या है चाचा इस विधानसभा में? समस्या तो कुछ भी ना, पर कहने का मतलब पानी रुका पड़ा, नाली रुकी पड़ी है। तो यार सगली बात विधानसभा में जो ही गड़बड़ है। अच्छा, ये गली में कूड़ा पड़ा, ये दिखाता हूँ आप, गलियों में कूड़ा, कागज पड़े हैं, कोरे गंद, इस प्रकार की गंद। हाँ, और यहाँ कर आप खड़े हो, यहाँ कर अच्छा बुरा असर सब तरह का आदमी जाता हो, बदबू के मारे निकल नहीं सकता आदमी, बदबू के मारे आप निकल नहीं सकते। क्या क्या इधर क्या है? मेरा नाम वीरेंद्र शर्मा है और इसी विधानसभा में रहता हूँ। जब बारिश होती है इसी कोने से पुलिया से लेके और कोंडली गांव की पुलिया है और संडे बाजार और ये राजवी कॉलोनी का पूरा रोड, चारों तरफ ऐसा जा नाला को क्या बोलते हैं तालाब, तालाब की तरह ऐसा पानी भर जाता है, पूरी जनता परेशान रहती है। अरविंद केजरीवाल तो कह ही रहे थे दिल्ली में तालाब बना देंगे, तो भाई तालाब क्या, उन्होंने ये कहा था कि मैं घर घर पानी पहुंचा दूं, तो जो हर जगह दिल्ली में पानी पानी हो जाता है जब बारिश होती है, चाहे मिंटू रोड पे देख लो, चाहे तिलक ब्रिज पे देख लो, कहीं देख लो। और उनके विधायक हैं यहाँ, उन्हीं के पार्टी के विधायक हैं मोनू उर्फ कुलदीप, आप देख लो नाले को, यहाँ पे गाय गिर गई थी, उन्हीं की पार्टी के निगम पार्षद हैं प्रियंका गौतम। एक बार मैंने उनको खुद फ़ोन करके बुलाया और आग बुझाने वाली गाड़ी भी आई, जब यहाँ को गाय माता को इस नाले में से हमने निकलवाया। तो अब बताइए PW दिल्ली सरकार के अंडर में ही तो आती है ना, तो फिर जब दिल्ली सरकार के अंडर में आती है तो फिर इस नाले को क्यों नहीं सफा करवाते, बताइए। ये वाटर सीवेज क्लीनिंग की समस्या मैं पूरी दिल्ली में देख रहा हूँ, जहाँ जा भाई बहुत बुरा हाल है। पानी वानी कैसा आ रहा है पीने लायक? पानी
आप अगर हाथ धो लिए शाम को या सुबह हाथ धोगे तो आप खाना नहीं खा सकते, इतना गंदी बदबू आती है उसमें। बिल्कुल ऐसे समझो जैसे लेटरिन का गटर लीकेज हो जाता है ना, ऐसा पानी आता है, इतना गंदा पानी। हाँ जी, पानी कैसा है दादा आप बताइए? पानी बहुत गंदा आ रहा है, सीवर का पानी आ रहा है। पीने लायक पानी नहीं, नहीं। कहते हैं जी पीने लायक पानी पहुंचा रहे हैं, पानी भी बोतल मंगाते हैं पीने के लिए, उससे गुजारा कर रहे हैं। बिजली और पानी फ्री बोला था। हाँ जी, बिजली और पानी तो पानी हो गया। और लाइट अब ढाई ढाई आज 3-3.5-4 घंटा में लाइट आई है, तो अब ये फ्री वाली लाइट है ना, तो अब ऐसे ही होगा। चौमासे में आएगी तो यहाँ पानी ये लौट के घड़ौली गाँव में भी भरेगा, राजवीर कॉलोनी में भी भरेगा। तो ये सारी समस्या है भैया जनता की है, नेता थोड़ी आएंगे निकालने यहाँ। यहाँ तो आम जनता खुद अपने आप कॉलोनी में से पानी निकालती है सीवरों को ढक्कन खोल खोल के। तो बताइए फिर क्या काम, क्या काम हो रहा है? अच्छा एक बात बताइए, केजरीवाल समस्या हो रहा है। हाँ। कांग्रेस के पीरियड में हर 60 साल वाले व्यक्ति की पेंशन हो जाती थी। हाँ। इन्होंने क्या काम करा, 2014 से 60 साल वाली पेंशन भी खत्म और नया राशन कार्ड भी खत्म। और जो अगर नया राशन कार्ड नहीं बन रहे, तो अगर आपका पुराना राशन कार्ड है और आपके घर में कोई छोटा बच्चा पैदा हो जाए तो क्या उसका तो नाम चढ़ा सकते हैं पुराने राशन कार्ड में? तो फिर उसमें राशन कार्ड में नाम क्यों नहीं चढ़ाने देते? अच्छा। ये तो कह रहे हैं कि हम राशन कार्ड ही खत्म कर देंगे, राशन ही नहीं मिलेगा। राशन कार्ड तो मार तो है ना, मार मोहल्ले में तो किसी को राशन कार्ड है ही नहीं किसी को। अच्छा एक बात बताइएगा चाचा, ये तो ठीक है, आप मुझे बताइए पेंशन वेंशन मिल रही है? पेंशन तो मैं सरकारी नौकरी जॉब हूँ। अच्छा, मैं सरकारी जॉब में थे? हाँ, लाल बहादुर दिल्ली सरकार की तरफ से नहीं मिलता? नहीं, पीडब्ल्यूडी में। पीडब्ल्यूडी? हाँ, तो मेरी तो पेंशन आ रही है गवर्नमेंट ही। सड़क वड़क की क्या स्थिति है? सड़क सड़क क्या भैया क्या कह रहे हो? बारिश हो जाएगी तो इतना पानी रहता है यहाँ, अभी तो आप खड़े हो यहाँ, बारिश नहीं हुई है तो पानी हो जाता है इतना इतना, यहाँ निकला नहीं जाता इतना ज़्यादा पानी। हाँ जी, पानी का कोई रास्ता ही नहीं है निकलने का यहाँ। हाँ जी, हाँ जी। तो विधायक जी कर क्या रहे हैं, एक बात बताइए, जीत तो चुनाव घर में बैठे हैं, अपने घर में बैठे हैं विधायक जी, और क्या कर रहे हैं जी? आप मिलने जाओगे तो ऑफिस में अलग अलग केबिन बना रखी हैं, तो पहले गेट में घुसोगे तो उनके भाई कहेंगे क्या जी अभी विधायक जी नहीं है, और ये कहेगा कि हाँ विधायक जी हैं मगर मीटिंग चल रही है अभी आप इंतजार करो, और वहाँ फिर मिलने का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा। ये विधायक जी का काम है। और दूसरी बात ये, चाहे ये सरकारी आदमी है, ये किसी भी पार्टी के हैं, ये किसी पार्टी के, मगर विधायक अगर कोई यूँ कहे किसी भी आदमी से, आम जनता के आदमी से, कि आप उस पार्टी के हो, तो इसका मतलब कि काम करने की क्षमता नहीं उनकी। और इसीलिए अब के आने वाला जो चुनाव होगा 2025 का, वो जनता खुद ही बता देगी कि अब के विधायक जी चुनाव जीत पाएंगे केजरीवाल जी और विधायक? यहाँ से तो भैया कोई नहीं, विधायक तो कोई मतलब ही ना, कोई ताकत ही ना, कोई मतलब ना, नहीं कोई मतलब। क्या लग रहा है भैया आपके? अरे जो ये कह रहे हैं बड़े बूढ़े वही हो रहा है, और क्या है, कोई होगा। यहाँ समस्या से जूझ रहे हैं ना जनता, यहाँ कोई ये नहीं है कि कोई राजस्थान से या पाकिस्तान से या बंगलोर से या जयपुर राजस्थान, यहाँ के रहने वाले लोग हैं जो जनता ये, और कौरी गंदगी देखना, कितना कूड़ा पड़ा, कितना कागज पड़ा, नाली रुकी पड़ी है, और ये जो बाहर है कोई साइकिल वाला भी जा नहीं सकता, नाले पाड़ा जाती है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा कीचड़ हो जाती है, पानी भरा पड़ा, नाले फुल पड़े, सफाई होती नहीं है, कुछ होता नहीं है, क्या करें, पब्लिक परेशान है, क्या बोलें बताओ। चलिए ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना समय दिया। विधानसभा की हालत तो आपने, मैं इस बार तो बोलने लायक रहा ही नहीं, जब जनता ने अपने मुख से बता दिया कि क्या क्या समस्या है। बाकी आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में, इस विधानसभा के बारे में, इस विधानसभा की स्थिति के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगली वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।